हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अ वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ जावा विच इज़ जावा सैंडबॉक्स मॉडल. इन मोस्ट ऑफ द थ्योरी एग्जाम्स इन एनी यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. एक्सप्लेन जावा सैंडबॉक्स मॉडल एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो जावा सैंडबॉक्स मॉडल की जो इम्पोर्टेंस है वो सिक्योरिटी में है. Because it provides restricted environment, local code is trusted to have full access to the vital system resources such as file system. Downloaded remote code such as applet is not trusted and can access only limited resources provided inside the sandbox. So, इसकी थ्योरी पढ़ के हमें समझ में आता है कि जावा सैंडबॉक्स मॉडल एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एप्लेट का जो कोड होता है, जो डाउनलोड होता है, उसको सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो सैंडबॉक्स के अंदर होती है. तो इसका एक डायग्राम ऐसे आप बना सकते हैं. This is the JVM, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine के अंदर ये एक सैंडबॉक्स है एंड जो लोकल कोड है, जो आपकी मशीन के ऊपर लोकल कोड है जावा का, दैट हैज़ एक्सेस टू द वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रेजेंट ओवर हेयर सच एज फाइल सिस्टम. सो एक लोकल कोड को वैल्यूएबल रिसोर्सेज की एक्सेस है. बट सपोज देर इज वन डाउनलोडेड कोड जिसको हम नॉर्मली एप्लेट बोलते हैं, दैट एप्लेट कैन नॉट एक्सेस ऑल दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज. दैट एप्लेट कैन एक्सेस ओनली द लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट इनसाइड दिस सैंडबॉक्स. सो एप्लेट के लिए जो बाकी का एरिया है यहाँ पे और जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये प्रोहिबिटेड हैं, वो एक्सेस नहीं कर सकता. इससे सिक्योरिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इफ अ ट्रस्टेड एप्लेट, जो आपने ही बनाया एप्लेट, उसको फाइल रिसोर्सेज को एक्सेस करना है अगर, तो इसके लिए एक मॉडिफाइड वर्जन आया था जावा सैंडबॉक्स का. उस मॉडिफाइड वर्जन में क्या था, इतना आर्किटेक्चर तो सेम है. दैट सेज इफ द एप्लेट और द रिमोट कोड इज ट्रस्टेड, देन इट कैन एक्सेस वैल्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो. सो ट्रस्ट फैक्टर के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं. यू कैन आइदर यूज़ डिजिटल सिग्नेचर और एनी अदर टोकन सिस्टम फॉर ट्रस्टिंग द एप्लेट. So this is how Java Sandbox model works. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.